मैत्री के भाव को विकसित करना है। चारों ओर के जगत को देखेंगे तो बड़ा ही मैत्रीपूर्ण जान पड़ेगा, रहस्यमय ढंग से तुम्हें सहयोग करता हुआ। धरती कितनी मैत्रीपूर्ण है कि तुम्हें चलने में सहयोग कर रही है, हवाएं कितनी मैत्रीपूर्ण है कि तुम्हें सांस लेने में सहयोग कर रही है, सूरज भी कितना मैत्रीपूर्ण है। प्रकृति की एक एक बात तुम्हारे प्रति गहरी मैत्री के भाव से भरी हुई है, उसे बस अनुभव करना प्रारंभ करना है। तुम प्रकृति के साथ भी शत्रुता में जीते हो, प्रकृति के साथ निरंतर संघर्ष करते हुए, जैसे तुम्हें उसे जीत लेना है। विज्ञान भी कोशिश करता है कि हम प्रकृति को जीत लेंगे, उस पर आक्रमण करता है, और तुम देखते हो प्रकृति को जीतने के प्रयास में तुम कैसे विनाश की ओर बढ़ने लगते हो, कैसे तुम्हारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है, कैसे तुम्हारे वातावरण में असंतुलन आता है, और कैसे तुम सामूहिक विनाश की ओर बढ़ने लगते हो। प्रकृति मैत्रीपूर्ण है, तुम आक्रमण से, अपनी शत्रुता से उस मैत्री को नष्ट कर लेते हो। आज के मनुष्य की ये सबसे गंभीर समस्या है। इसीलिए विचार के शुद्धि के और आंतरिक शक्ति के जागरण के जिन रहस्यों की मैं बात कर रहा हूं, उन्हें जान लेना आज के मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अपने इन्हीं भावों के कारण वो एक सामूहिक विनाश की ओर करीब करीब बढ़ गया है। शत्रुता के भाव के चलते तुमने इतने हथियार इकट्ठे कर लिए हैं कि एक विश्व युद्ध तुम्हें हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। इतने हथियारों की आवश्यकता क्या है, क्योंकि मनुष्य मनुष्य के बीच शत्रुता का भाव उत्पन्न कर दिया गया है, मैत्री से उसे दूर कर दिया गया है। तो थोड़ा मैत्री पर काम करें, अपने भीतर अपने अंतर जगत में जब तुम ध्यान में डूबते हो तो अपनी आंतरिक लयबद्धता को अनुभव करें। देखें तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन तुम्हारे लिए कितना सहयोगी है। पहला प्रयास करें अपने शरीर के साथ मैत्रीपूर्ण होने का, शरीर से मित्रता साधें, अपने शरीर से फिर से पहचान करें। वो तुम्हारा इतना काम करता है, तुम्हारा इतना सहयोग करता है, लेकिन तुम शरीर के साथ भी शत्रुओं जैसा ही व्यवहार करते हो। जब बीमार पड़ते हो तब बस शरीर की ओर थोड़ा ख्याल से देखते हो थोड़ा, और वो प्रेम भी तुम्हारा भय से आता है, क्योंकि अब शरीर पर संकट है। अपने हाथों, अपने पांवों, अपने होठों, अपनी आंखों से प्यार करो। कहने का तात्पर्य है अपने पूरे शरीर से प्यार करो, ये नहीं कि फिर अपनी आंखों से तो प्यार करो और अपने कानों से दुश्मनी पाल लो, या अपने शरीर के ऊपरी हिस्से से तो प्यार करो, शरीर के निचले हिस्से से दुश्मनी पाल लो। शरीर के साथ भी एक विखंडित मानसिकता जोड़ दी गई है, एक स्प्लिट पर्सनैलिटी तुम्हारे भीतर उत्पन्न हो गई है। तुम शरीर को भी बड़ा बांट बांट कर देखते हो, वो इकट्ठा है एक जोड़ की तरह, उसे प्यार से देखें। और जब तुम अपने शरीर के प्रति प्रेमपूर्ण हो पाओगे, तभी तुम दूसरे के शरीर के प्रति भी प्रेमपूर्ण हो पाओगे।
जो व्यक्ति अपने शरीर का आदर करना सीख लेता है वो कभी किसी दूसरे के शरीर का अनादर नहीं करता। दूसरों के शरीर का भी अनादर वही करता है जो अपने शरीर का सम्मान नहीं कर पाता। तुम्हारे शरीर में परमात्मा को अनुभव करने की संभावना और क्षमता है, वो एक जीता जागता चलता फिरता मंदिर है। उसके प्रति गहरे से गहरी मैत्री में उतरे। कभी अकेले में बैठे तो अपने शरीर से थोड़ी बात भी करें, अपने आंतरिक अंगों से बात करें। ये ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। एक ध्यान शिविर में मैंने इस प्रक्रिया का उल्लेख किया था कि अपने आंतरिक अंगों से वार्तालाप करें, उनसे मैत्रीपूर्ण ढंग से पेश आए, और फिर शरीर के बाद प्रकृति की ओर मुड़े, प्रकृति को थोड़ा प्रेम से देखें। जब मैत्री सधेगी तभी तुम दूसरी ओर यात्रा कर पाओगे, करुणा की ओर। मैत्री प्रेम की भावदशा है, मैं प्रेम नहीं कह रहा हूं। और हमारे संबुद्ध मित्र गौतम बुद्ध ने भी मैत्री शब्द का ही उपयोग किया, और मैं समझता हूं बहुत ही वैज्ञानिक कारणों से उन्होंने मैत्री शब्द का उपयोग किया, प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया। मैत्री शुद्ध है, वो एक भावदशा है। मैत्री होती है तो प्रेम होता ही होता है, और प्रेम जिसे तुम प्रेम की तरह से जानते हो वो है, तो मैत्री हो ना हो इसकी कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी अभी प्रेम होता है और अगले क्षण तुम्हारा प्रेम जा चुका होता है। अक्सर पता चलता है तुम बड़े प्रेम से भरे थे और एक दिन कब घृणा आ गई, क्योंकि ये अभी प्रेम नहीं था, ये केवल सुरक्षित रहने के उपाय थे। तुम्हारा प्रेम भी तुम्हारी काम वासना का ही एक ढंग होता है कई बार, इसलिए तुम वास्तविक प्रेम को नहीं जानते। प्रेम तब जन्मता है जब तुम अपने सम्मान में उतरते हो और उससे निकलकर दूसरे का सम्मान तुम्हारे जीवन में घट जाता है। तो पहले अपने शरीर से, फिर प्रकृति से, चांद तारों से, पेड़ पौधों से, नदियों पर्वतों से, धरती से, आसमान से, सबसे मैत्रीपूर्ण दृष्टि का आदान प्रदान करें। कभी धरती को स्पर्श करें और एक मित्रता का अनुभव करें, और तुम्हें हैरानी होगी कि प्रकृति अब तुमसे संवाद करने लगी है। वो तुमसे बोलती है, तुमसे बात करती है, लेकिन तुम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। मौन का गीत वहां पर गूंजता है हर समय, लेकिन तुम अपने आप में ही इतने खोए हुए थे कि उस गीत को कभी सुन नहीं पाए। तो जब मित्रता में उतरेंगे तो तुम्हें आश्चर्यजनक ढंग से लगेगा कि प्रकृति इतनी बेजान नहीं है, तुमसे इतनी अलग थलग नहीं है, वो तुमसे कितने गहरे तल पर जुड़ी है और तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। और कभी कभी चमत्कार भी हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे तरंगे पूरी प्रकृति से गुथी हुई हैं, तो कभी कभी तुम्हें अद्भुत और अलौकिक चमत्कारों का भी अनुभव होगा। फिर प्रकृति के बाद मनुष्यों की ओर मुड़े। मनुष्यों को मैंने पहले नहीं रखा, क्योंकि पहले तुम अपने से और प्रकृति की ओर यात्रा करो, तुम्हारा भाव थोड़ा और शुद्ध हो जाए, फिर तुम मनुष्यों की ओर आओ। मनुष्यों की ओर तुम सीधे सीधे प्रयोग करोगे तो तुम्हारे बहुत सारे पूर्वाग्रह उभर कर आ जाएंगे।
तुम उनसे मैत्री साधते साधते शत्रुता में चले जाओगे। तुम कहोगे इतनी तो कोशिश की मैंने मित्रता साधने की, ऐसा इंसान है कि हाथ ही नहीं रखने देता। मनुष्य के साथ थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल तुम्हारे भीतर है, तो थोड़ा घूम कर आएंगे, थोड़ी लंबी यात्रा करके मनुष्य तक पहुंचेंगे और फिर देखेंगे कि तुम्हारे आसपास के मित्र कितने अलौकिक हैं।